सो गाइस बैग हमने सेट कर लिए हैं, बाइक हमारी तैयार है, वी आर ऑल सेट टू गो। बस राइडिंग गियर पहनना है, सो फटाफट राइडिंग गियर पहनते हैं और मिलते हैं आपसे फिर लद्दाख में। बाय। हे सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, चाहे वो लद्दाख का हो जाए, चाहे वो कहीं पे भी आप बाइक पे जाने का सोच रहे हो। सो उसके लिए हमें सबसे मेन जो चीज़ चाहिए होती है, सबसे पहले हमें चाहिए तो बाइक ही, और बाइक के साथ हमें चाहिए सैडल बैग्स। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं सैडल बैग्स आपको, जो कि हैं आपके गोल्डन राइडर्स की तरफ से। सो गाइज हियर वी हैव द सैडल बैग। कुछ इस तरीके से बैग दिखता है ये, और ये आता है आपके दो के पैर के अंदर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो सैडल बैग हैं, और मैंने पूरी तैयारी करके रखी है कि कैसे हम इसमें सारा का सारा सामान भरेंगे और कैसे हम इसको बाइक पे लगाएंगे। हर चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा। सो गाइज़ दिस इज़ द बैग फ्रॉम गोल्डन राइडर्स। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2800 के करीब आपको मिल रहा है। 50 लीटर्स के करीब का ये बैग है, जो कि मतलब 1 और 2 दोनों मिला के 50 लीटर्स आपका इसके अंदर कैरी हो जाता है, एंड आराम से ये आपकी बाइक के ऊपर भी लग जाएगा। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैग इज़, अगर आपका सैडल स्टेज नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे इन्होंने पीछे एक मटेरियल यूज़ करा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे वाला कपड़ा अलग है एंड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कपड़ा अलग है। सो जब भी आप बैग टांगते हैं तो यूजुअली ये जो हिस्सा होता है वो कई बार टायर के साथ टकराता है या कुछ होता है, तो ये जो कपड़ा है ये हार्ड दिया गया है, जो कि आपका टायर के साथ टकराने के बावजूद भी ख़राब नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है कि आप सैडल स्टेज लगा लें, तो उससे लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो गाइस सबसे पहली चीज़, आप बैग को अंदर से देखें, कुछ इस तरीके से अंदर से बैग है ये, एंड यू गॉट अ लैपटॉप प्लेस है, यहाँ पे आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं, एंड कुछ आप अपनी एसेसरीज़ रखना चाहते हैं तो वो आपकी सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। देन आपके यहाँ पे साइड पे बॉटल होल्डर और ये सब आ गया, एंड काफ़ी जगह है। देन वी हैव फ्रंट पॉकेट्स एज वेल, यहाँ सामने फ्रंट पे पॉकेट दी गई है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। देन वी हैव दीज एज वेल, जहाँ पे आप अंदर अपना सामान डाल सकते हैं। सो क्या करते हैं, एक बार ही इसको दोनों बैग्स को पूरा भर लेते हैं। जैसे सपोज सोच लेते हैं कि वी आर प्लानिंग टू गो टू लद्दाख, तो हम इसमें सारे कपड़े और जो अपना गियर है वो सब कुछ भर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा ये लगता है बाइक पे लगाने के बाद और हम कितना सामान इसके अंदर भर सकते हैं। सो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोस्टली अपना सारा सामान रख दिया है, जो कि आप एक अपने ट्रैवल में अपने साथ कैरी करेंगे। सो आई हैव लॉट्स ऑफ जीन्स, आई हैव अबाउट 6 जीन्स है, और मेरे पास अराउंड 10 के करीब टी शर्ट्स हैं। मेरे पास यहाँ पे चेन क्लीनर, चेन ल्यूब है, मेरे पास यहाँ पे अपना लैपटॉप है। एंड देखते हैं कि ये सब सामान डालने के बाद हमारे पास कितनी जगह बचती है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, शूज़ तो हम ज़्यादातर वही पहनते हैं जो हम एक शूज़ लेके जा रहे हैं, एंड साथ में हम चप्पल वगैरह डाल सकते हैं और वो डाल सकते हैं। सो पहले हम इसको फिल कर लेते हैं और देखते हैं कि फिल करने के बाद कितनी जगह हमारे पास बचती है। सो गाइस ये वाला बैग हमारा पूरा भर गया, जिसमें हमने अपनी 10 टी शर्ट्स रखी हैं, लैपटॉप रखा है, लैपटॉप का चार्जर रखा है, एंड देन हमने अपनी स्लीपर्स रखी हैं 2, और हमने अपना एक शूज़ भी रखा है इस वाले बैग के अंदर। एंड अगर आप यहाँ पे ये वाला बैग देखेंगे तो ये अभी बैग काफ़ी ज़्यादा खाली है, ये वाली पॉकेट भी खाली है, इसमें आगे वाली भी खाली है, एंड इसमें भी अभी आगे वाली खाली है। सो यहाँ पर हम अभी और भी सामान रख सकते हैं सारा का सारा। सो इसमें आप देखेंगे हमने चेन ल्यूब भी डाले हैं, इसमें हमने जीन्स डाली हैं, ऑलमोस्ट 6 जीन्स हमने इसके अंदर डाली हैं। हमने इसमें अपना पजामा डाला है और 2 पजामे डाले हैं, तो उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह बच जाती है। सो इसको हम कर लेते हैं बंद। एंड एक चीज़ हमें इसके अंदर मिलती है साथ में गोल्डन राइडर्स की तरफ से। सो दिस इज़ अ पाउच, जिसके अंदर आपको मिलते हैं वाटरप्रूफ केसिंग्स, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दीज आर अगेन फ्रॉम गोल्डन राइडर्स, और ये आप अगर बारिश पड़ रही है तो अपने बैग को इस तरीके से कवर कर सकते हैं। ये आपके दोनों तरफ ऐसे, दोनों तरफ से ऐसे करके आ जाएगा और ये दोनों बैग्स को कवर कर लेगा। सो ये पूरा का पूरा आपके पाउच के अंदर ही रहता है, यहीं पे पूरा का पूरा ये स्टिच्ड है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, ये आपका ये खोने के भी चांसेस भी नहीं है क्योंकि आपका ये जो होगा वो पूरा का पूरा इसी के साथ अटैच होगा। तो चलते हैं बाहर और बैग्स को लगाते हैं बाइक के ऊपर और देखते हैं कि क्या लुक आती है बैग्स को बाइक के ऊपर लगाने के बाद। अगर आपके पास सपोज सामान ज़्यादा हो जाता है, आपके पास पीछे बैकपैक नहीं है कैरी करने के लिए, या सपोज आप बैकपैक भी कैरी कर रहे हैं, देन वी हैव दिस एज वेल। ये है डबल बैग जो कि आपका आता है गोल्डन राइडर्स की तरफ से। दिस इज़ अबाउट गुड 35 लीटर्स एंड जिपर है पूरा और अंदर से आप देखेंगे तो इट्स फुली वाटरप्रूफ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको पूरा एडजस्ट करके पीछे बैकपैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसको सामान रख के पीछे बाइक के ऊपर टांग के, जैसे मैं सपोज़ इसको यहाँ से फोल्ड करके इसमें सारा सामान भर के इसको बाइक की बैक सीट जो है उसके ऊपर भर के रख सकता हूँ, तो ये भी मेरा आराम से कैरी कर लेगा सामान को। सो गाइज दिस इज़ ऑल्सो फॉर सेल, जो कि डफल बैग है आपका goldenriders.in की जो वेबसाइट है, नीचे नाम आ ही रहा है, उस वेबसाइट के ऊपर जाए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उस वेबसाइट के ऊपर जाए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग में। सो गाइज जल्दी से वेबसाइट पे जाएं और अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यार ये सारी चीज़ें लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस बाइक आ गई है, बैग्स आ गए हैं, तो इसको हम करते हैं इस पे फिट और देखते हैं कि क्या लुक आती है बैग्स को एक्चुअल में बाइक पे फिट करने के बाद, और क्या पोजीशन रहती है सैडल बैग्स की जब हम इसको बाइक के ऊपर लगाते हैं। सो गाइस हमारे जो बैग्स हैं वो यहाँ पे फिट हो गए हैं, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि अगर आप सैडल स्टेज लगवाते हैं तो उसके अंदर बेस्ट पार्ट ये होता है कि जो बैग्स होते हैं ये बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाते हैं, ठीक है। तो सैडल स्टेज आप लगवा के ही जाएँ ज़्यादा बेटर है, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है सैडल स्टेज लगाने का, देन इस तरीके से भी आप बैग जो है उसको टांग सकते हैं और लेके जा सकते हैं। इसमें ऊपर ये स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, अगर आपकी बाइक चौड़ी है तो आप इसको स्ट्रैप को ढीला करके खुला कर सकते हैं, अगर आप इसको और ज़्यादा टाइट करना चाहते हैं तो आप इसको और ज़्यादा भी टाइट कर सकते हैं। सो इसको एक बारी और टाइट करके देखते हैं कि ये वाला बैग हमारा ऊपर आता है या नहीं आता है। सो गाइस हमने इसको कर दिया है टाइट, और ज़्यादा हमने इसको टाइट कर दिया है, बट द प्रॉब्लम है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया सेम वही सिचुएशन आ रही है। यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, यूजुअली लैपटॉप आप सब पीछे बैकपैक में कैरी करते हैं, तो यहाँ पे लैपटॉप है जिसकी वजह से इसका वेट और ज़्यादा हो रहा है और ये वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है। बट अगर आप यही वाला हिस्सा देखेंगे जहाँ पे हमारे कपड़े रखे हुए हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं मोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ इसको मोड़ रही है। सो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। बाकी जैसे मैंने सोचा था कि शायद ये लटकेगा या कुछ होगा, तो अभी आप देखेंगे तो टायर से काफ़ी ज़्यादा दूर है ये, और लटकने की सिचुएशन एज सच मुझे ऐसी लग नहीं रही कि ये टायर के साथ टच होगा या कुछ होगा, तो यार ये बहुत अच्छा है। बाकी जो मैंने आपको डफल बैग दिखाया है वो भी हम भर के उसको यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे बांध सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा पूरा का पूरा तैयार। सो गाइस कैसी लग रही है ये बाइक, और आरसी के ऊपर क्या हम ऐसे टूरिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। एंड गाइस goldenriders.in इज़ द वेबसाइट जहां पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं गोल्डन राइडर्स के बैग्स हैं, जो कि आप यहां पे इनका लोगो भी देख सकते हैं। बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है, बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, और अगर आप सैडल बैग्स लेना चाहते हैं देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय, क्योंकि इस रेट में इतने अच्छे बैग्स आपको नहीं मिलेंगे। सो गाइस काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें जो कि मेरे को भी अभी सही तरीके से नहीं पता, अभी मैं और ढूंढूंगा, क्योंकि इसमें हमें उठाने के लिए यहाँ पे स्ट्रैप्स भी मिल जाते हैं ताकि हम बैग को आराम से कैरी कर सकें, हर चीज़ कर सकें। एंड देन हम इसको एज अ पीछे बैकपैक की तरह यूज़ करके उठाना चाहते हैं तो वो भी तरीके से हो सकता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में पता चल सके। बाकी मेरी हालत बुरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि अभी है धूप बहुत गंदी, बारिश पड़ नहीं रही है दिल्ली में, और पड़ती है तो थोड़ी सी पड़ती है जिसकी वजह से और ज़्यादा गंदा मौसम हो जाता है। सो गाइस फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को ताकि लोगों को गोल्डन राइडर्स के बैग्स के बारे में जिस रेट पे मिल रहे हैं उसके बारे में पता चल सके, और जिस क्वालिटी में ये लोग दे रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी पता चल सके। एंड गाइज़ वाइफ का चैनल खुलवाया है गिनी ट्यूटोरियल्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बार बार नीचे फ्लैश भी आ रहा है, उसको जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेकअप, स्किन केयर और उसके रिलेशन में सारी की सारी वीडियोस बनाएगी वो। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। दुनिया खुशी रखा है, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.